मध्य प्रदेश के सागर में बनेगा नया वन्य जीव अभयारण्य। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये अनूठा उपहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को दी गई थी सैद्धांतिक स्वीकृति। साइबर थाने की कार्यवाही, वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का प्रतिरूपण कर फर्जी वेबसाइट बनाने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश वन विभाग की वेबसाइट को कॉपी कर फर्जी वेब बनाने वाले को गिरफ्तार किया। फर्जी वेब पेज के माध्यम से नौकरी का विज्ञापन देकर करते थे ठगी। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। शहडोल, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर संभागों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एमपी बीजेपी ने आईटी सेल प्रभारी को हटाया। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की नाराजगी के कारण एक्शन। अब अमन शुक्ला को कमान, अभिषेक शर्मा को बनाया सोशल मीडिया प्रभारी। एमपी में मॉब लिंचिंग पर सियासत, गृहमंत्री बोले मॉब लिंचिंग शब्द गलत, प्रदेश में लिंचिंग से एक भी हत्या नहीं हुई। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पूछा नीमच रीवा सतना में जो हुआ वो क्या है। जैन महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 साल बाद 50% क्षमता के साथ फिर भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। एमपी में सुब्रत राय पर FIR, जबलपुर EOW ने 3 FIR दर्ज की। 38 निवेशकों के 38 लाख रुपए हड़पने का आरोप, मैच्योरिटी के बाद भी वापस नहीं किए रुपए। उज्जैन में रेप की घटना, हिंदू संगठनों ने लड़की को छुड़ाया। होटल हिल्टन में अजय शर्मा नाम से होटल में कमरा बुक कराकर किया युवती से रेप, आई कार्ड में निकला शहनवाज। भोपाल में धर्म परिवर्तन की कोशिश, ईसाई युवक ने अपना नाम हिंदू बताकर की शादी, बच्चा हुआ तो बोला तुम्हें क्रिश्चियन बनना होगा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।